हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कॉन्सेप्ट्स। सो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था एल्कलाइन फॉस्फेटेज के बारे में। सो इस वीडियो में हम देखेंगे क्रिएटिन काइनेज। तो जब बात करेंगे क्रिएटिन काइनेज की, सो इस वीडियो में हम इसके फंक्शंस को देखेंगे, इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस को समझेंगे, इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है एंड डिफरेंट आइसो एंजाइम्स ऑफ क्रिएटिन काइनेज। तो अगर बात करते हैं क्रिएटिन काइनेज की, तो सबसे पहले आता है इसका लोकेशन। सो इट इज़ प्रीडोमिनेटली फाउंड इन स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स, ब्रेन एंड अदर विसरल ऑर्गन्स। अब बात करते हैं इसके फंक्शन की, दैट वाई क्रिएटिन काइनेज इज इम्पॉर्टेंट। सो क्रिएटिन काइनेज रिजल्ट्स इन द जनरेशन ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट्स इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब बात करेंगे क्रिएटिन काइनेज की, सो बिकॉज इट इज एन एंजाइम, सो इट विल बी ऑब्वियसली कैटेलाइजिंग अ बायोकेमिकल रिएक्शन। सो इन दैट केस क्रिएटिन काइनेज क्या करता है, क्रिएटिन फॉस्फेट से क्रिएटिन बनाता है विद द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। अब ये एटीपी क्या करता है, इट एक्ट्स एज एन एनर्जी सोर्स फॉर दी मसल्स। बट अगर एटीपी का लेवल हाई होता है, इन दैट केस द फॉर्मेशन ऑफ क्रिएटिन फॉस्फेट इज फेवर्ड। नाउ क्रिएटिन जो है ये 3 अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। यू कैन सिंपली रिमेंबर इट विद द हेल्प ऑफ GAM, विच स्टैंड्स फॉर ग्लाइसिन, आर्जिनिन एंड मिथियोनिन। अब बात करेंगे इसके नॉर्मल लेवल की। सो क्रिएटिन काइनेज का जो नॉर्मल लेवल है, इट इज़ इन केस ऑफ मेल्स इट इज़ 55 to 170 यूनिट्स पर लीटर एंड इन केस ऑफ फीमेल्स इट इज़ 30 to 135 यूनिट्स पर लीटर। बट आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल कॉन्सेप्ट्स एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये मुझे मोटिवेट करता है कि मैं और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेके आऊँ। अब बात करते हैं इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की, कि क्रिएटिन काइनेज क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। सो क्रिएटिन काइनेज का जो यूज़ होता है, इट इज़ इन द डायग्नोसिस ऑफ वेरियस न्यूरोमस्कुलर डिजीजेस एंड एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अब बात करेंगे न्यूरोमस्कुलर डिजीजेस की। सो विद इन द न्यूरोमस्कुलर डिजीजेस देर आर मायोपैथीज, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, रिपैप्डोमायोलाइसिस, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम एंड पीरियोडिक पैरालिसिस। बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे नोट करने की है कि अगर किसी भी तरीके का न्यूरोमस्कुलर डिजीज नहीं है या कार्डियक इंजरी नहीं है, इन दैट केस भी समटाइम्स सीके का लेवल एलिवेट हो जाता है, सच एज इन केस ऑफ स्ट्रेनस एक्सरसाइजेस। जो सीके का लेवल है, इट इज़ फाउंड टू बी एलिवेटेड समटाइम्स। नाउ टॉकिंग अबाउट दी आइसो एंजाइम्स, तो जैसे कि हमने एल्कलाइन फॉस्फेटेज में डिफरेंट आइसो एंजाइम्स उसके पढ़े थे, सिमिलरली क्रिएटिन काइनेज के भी अपने आइसो एंजाइम्स होते हैं, जिसके अपने अलग अलग क्लिनिकल इंपॉर्टेंसेस हैं। तो अगर बात करें क्रिएटिन काइनेज के आइसो एंजाइम्स की, सो फर्स्टली क्रिएटिन काइनेज एक डाइमेरिक मॉलिक्यूल है। इट मींस कि इसके 2 सब यूनिट्स होंगे, एम एंड बी सब यूनिट्स। एम स्टैंड्स फॉर मसल्स एंड बी स्टैंड्स फॉर ब्रेन। सो दीज 2 सब यूनिट्स टुगेदर फॉर्म 3 आइसो एंजाइम्स ऑफ क्रिएटिन काइनेज। अब वो 3 आइसो एंजाइम्स कौन से हैं, सो द फर्स्ट इज सी के बी बी, द सेकेंड इज सी के एम बी एंड द थर्ड इज सी के एम एम। एज द नेम रिप्रेजेंट्स, सी के बी बी आपका प्रीडोमिनेटली ब्रेन में प्रेजेंट होता है, सी के एम बी इन हार्ट एंड स्केलेटल मसल्स एंड सी के एम एम इज प्रेजेंट इन द स्केलेटल मसल्स। अब वन बाय वन हम तीनों आइसो एंजाइम्स को डिस्कस करें। चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट आइसो एंजाइम ऑफ क्रिएटिन काइनेज, विच इज सी के एम बी। सो सी के एम बी इज़ द डायग्नोस्टिक मार्कर ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। सी के एम बी का जो लेवल होता है, इट इज़ प्रेजेंट प्रीडोमिनेटली इन द मायोकार्डियम। सो इन केस ऑफ मायोकार्डियल इंजरी, सच एज इन केस ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मायोकार्डाइटिस और कार्डियक सर्जरी, जो सी के एम बी का लेवल है, इट इज़ फाउंड टू बी एलिवेटेड। द नेक्स्ट पॉइंट इज कि सी के एम बी 5 to 7% ऑफ द टोटल क्रिएटिन काइनेज इज प्रेजेंट इन केस ऑफ स्केलेटल मसल्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्केलेटल मसल इंजरी हुई, इन दैट केसेस ऑल्सो सी के एम बी का लेवल इज फाउंड टू बी एलिवेटेड, विच रिजल्ट्स इन मिस इंटरप्रिटेशन। तो इसलिए अदर फैक्टर्स को मॉनिटर करना भी ज़रूरी होता है। अगर बात करें एक्यूट मायोकार्डियल इंजरी की, तो सी के एम बी का जो लेवल है, इट बिगेंस टू राइज विद इन 4 to 6 आवर्स आफ्टर द ऑनसेट, और ये बेस लाइन को अचीव कर लेता है विद इन 36 to 48 आवर्स। अब एक रीसेंट स्टडीज़ की बात करते हैं। सो रीसेंट स्टडीज़ अबाउट सी के एम बी शोज़ कि
जो CKMP है इट इज़ रिलेटेड टू दी बेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, बिकॉज जब मैंने आपको फंक्शन के बारे में बताया था तो CKM क्या करता है, इट रिजल्ट्स इन द जनरेशन ऑफ ATP. सो एलिवेटेड ATP रिजल्ट्स इन बेजो कॉन्स्ट्रिक्शन एंड ऑल्सो ये क्या करता है, ये नाइट्रिक मीडिएटेड बेजो डायलेशन को एंटागोनाइज कर देता है. सो दिस इज शोन इन द रिसेंट स्टडीज. तो अब ये हो गया CKMP के बारे में. तो अगर हम इसको कंक्लूड करें CKMP के फंक्शंस को, सो इट इज़ पर्टिकुलरली सीन इन केस ऑफ मायोकार्डियल इंजरी एंड समवॉट इन केस ऑफ स्केलेटल मसल इंजरी ऑल्सो. अब बात करेंगे CKBB की, विच इज़ द नेक्स्ट आइसोन्जाइम. सो CKBB इज प्रेडोमिनेटली प्रेजेंट इन ब्रेन एंड एलिवेटेड लेवल ऑफ CKBB इज इन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड shows hypoxic brain injury after the cardiac arrest. Decreased CKBB may be seen in Huntington's disease, multiple sclerosis and amyotrophic lateral sclerosis. So this is about CKBB. अब बात करेंगे CKMM की. So CKMM is present in skeletal muscles. So its elevated level may be seen in case of muscular dystrophy. So this was all about creatine kinase. अगर मैं summarize करूँ पूरे video को, तो हमने creatine kinase में सबसे पहले पढ़ा था इसकी location के बारे में, then हमने इसका function देखा, normal value को समझा, and then हमने इसका clinical significance and different isoenzymes और उसके clinical interpretations को भी देखा. सो दिस वॉज ऑल अबाउट क्रिएटिन काइनेस. तो अगर आपको मेरे वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव लगे हों या किसी भी तरीके से मेरे वीडियोज़ आपको हेल्प करते हों, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल कॉन्सेप्ट्स. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप स्टडी एंड टेक केयर.